हार्दिक पंड्या ने खोला वर्ल्ड कप का राज, बोले मैं तो खेलना चाहता था लेकिन मुझे इस खिलाड़ी ने किया था साफ इनकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु और आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। आपको याद ही होगा कि हार्दिक पंड्या वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते समय चोटिल हो गए थे। टूर्नामेंट की शुरुआत में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ गेंदबाजी करते समय पंड्या के टखने में चोट लग गई थी और जिसके बाद वो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे। इसके चलते जब भारत वर्ल्ड कप फाइनल हारा तब सभी ने इसका दोषी हार्दिक पंड्या को ठहराना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनको और भी ज्यादा ट्रोल किया गया। अब इसको लेकर हार्दिक पंड्या ने बयान दिया है। हार्दिक ने कहा कि मैंने मैनेजमेंट से कहा था कि मैं 5 दिन बाद लौटूंगा, फिर मैंने अपने टखने पर 3 जगह इंजेक्शन लगवाए, मुझे अपने टखने से खून निकलवाना पड़ा, मैं सब कुछ देना चाहता था, फिर जैसे जैसे मैं जोर लगा रहा था वैसे वैसे पुनरावृत्ति होती गई। 3 महीने की इस चोट में मैं चलने में सक्षम नहीं था, फिर भी मैं आखिरी बार आगे बढ़ने के लिए 10 दिनों तक दर्द निवारक दवाएं लेता रहा, क्योंकि अपने देश के लिए खेलना सबसे बड़ी गौरव की बात है, और लेकिन मैं इसमें चूक गया। मौजूदा समय की बात की जाए तो भारत में इस समय सिर्फ आईपीएल 2024 का इंतजार है। सभी टीम के खिलाड़ी अपने अपने कैंप में पहुंच चुके हैं। 22 मार्च से शुरू होने वाली इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग के लिए अभी से टिकट की मारामारी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी कन्फर्म कर दिया है कि इलेक्शंस का असर आईपीएल पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और पूरा टूर्नामेंट भारत में ही आयोजित किया जाएगा। हार्दिक पंड्या की कप्तानी छोड़ने के बाद गुजरात टाइटंस ने अपना कप्तान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को बनाया, जिसको लेकर उनके कोच आशीष नेहरा ने बयान देते हुए कहा कि जब हार्दिक पंड्या ने मुंबई इंडियंस में वापसी लौटने का फैसला किया तो मैंने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जिस तरह ये गेम बदल रहा है, हम आगामी दिनों में कई ट्रांसफर ऐसे देखेंगे। ये ठीक इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब मार्केट की तरह है, लेकिन क्या हार्दिक पंड्या का गुजरात टाइटंस से जाने का असर होगा? इस सवाल के चलते आशीष नेहरा ने कहा कि इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि गुजरात टाइटंस हार्दिक पंड्या को मिस करेगी, लेकिन ये हमारे लिए एक नए मौके की तरह है। साथ ही आशीष नेहरा ने यह भी कहा कि आईपीएल हर साल आपको कुछ नया सिखाता है और इस साल भी हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। हमारी गुजरात टाइटंस की तरफ से हार्दिक पंड्या को शुभकामनाएं। आपको बताते चलते हैं कि हार्दिक पंड्या पहली बार आईपीएल 2015 के सीजन में खेले थे, वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। इसके बाद आईपीएल 2021 तक हार्दिक पंड्या ने मुंबई इंडियंस के लिए खेला। मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पंड्या 7 सीजन खेल चुके हैं। इस टीम की कामयाबी में हार्दिक पंड्या का एक बड़ा रोल आज भी माना जाता है। अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि हार्दिक पंड्या जानबूझकर वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे? इस सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रिकेट केसरी।